खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पन्ना पुलिस ने आधा दर्जन चोरियां का खुलासा किया है। साथ ही चोर गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए लाखों के जेवर व नकदी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 16,81,000 रुपए बताई जा रही है। नौ और 10 मार्च के दरमियानी रात को एक घर में पन्ना में चोरी हुई थी, जिसके इन्वेस्टिगेशन के चलते पन्ना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 90 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी और लगभग 1,00,000 के आसपास नगद और 2 गाड़ियां जब्त की हैं, जिसकी किस्त भी वो चोरी के सामान से चुकाते थे। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये है कि पन्ना में ही एक व्यक्ति जो कुकर सुधारने का काम करता था, वो पहले यहाँ पे पन्ना में घूमकर सोने घरों को तलाशता, उसके बाद चोरों को बाहर से बुलवाता, उसके बाद ये सब मिलकर पन्ना में जो है चोरी करते हैं। तो इस तरीके से इनको अरेस्ट किया है और इससे पता चला है कि लगभग और कुल मिला के 6 मामले हैं जिसमें इन्होंने चोरी के वारदातें करी हैं। उन 6 मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें पन्ना वासियों के लिए बस ये संदेश है कि आप लोग घर पे जिसको भी बाहर से जो आते हैं उनको किराए पे रखते हैं, एक बार उनका पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग ठीक से करा ले। थाना प्रभारी कोतवाली भी जो है थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार और अच्छे से करेंगे, ताकि जो आपके यहाँ पे रुक रहे हैं वो इस टाइप के चोरी के प्रवृत्ति के लोग ना हो।